दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए, तीन दिन तक डिस्कस होती रही भगवान और प्यारी आत्मा। तीसरे दिन उसी से सुबह सुबह उस दिल पर नानक साहब जी को छोड़ दिया, शरीर में शरीर कहीं छुपा रखा। सुबह सुबह नानक साहब उसी दरिया पर दिखाई दिए, अन्य जनता का स्नान करने के लिए गए हुए थे, सबने देखा कि नानक साहब तो जीवित है, जीवित हो खुशी की लहर दौड़ गई। फौरनों को देखने को दौड़ गया, बैंक को पता लगा कि मेरा भाई जीवित है, नहीं तो बुरा हाल हो गया था, रो गए दौड़ी गए सब। उसी जन से नौकरी भी त्याग दी नवाब की, और पुण्यात्मा नौकरी पर एक दिन गए थे जाकर के सबको सौदा लेने वाले ना, सबको देखने लगे एक दो तीन तेरह से आगे गन्ना उठ गए, तेरह तेरह हे भगवान आए नहीं कुछ भी, सब कुछ तेरह 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 करके सारा उठा दिया खजाना। किसी ने शिकायत की नवाब को कि आपका खजाना आपके नौकर ने लुटा दिया, खाली कर दिया। और सुनो वहां उस जिंदा वाला जैसे रूप में परमात्मा मिले थे वैसा ही चोला बैग है, वेशभूषा बनाकर शमशान घाट पर जा बैठे। उधर से उस खजाने की जांच कराई गई श्री जयराम जी की उपस्थिति में, जो श्री नानक साहिब जी के पैरवी थे, जिनके जमानत से जिनकी शनाखत से वो वहां नौकरी लगी थी। तो कहते हैं खजाने की जब जांच हुई तो 760 रुपये नानक साहिब जी के ही सरकार की तरफ एक्स्ट्रा प्राप्त हुए। उस नवाब ने अक्षमा यात्रा की और कहा बुला लो एक बार उनको, फिर से नौकरी ग्रहण कर ले। अब नानक साहिब जी ने वो सब पैसे वहीं छोड़ दिए,